चलो भाई, चलान वालान सब मैंने पूरा कर दिया और मैं अभी हूँ बंगा पानी में। और इतनी दूर आ गए हम लोग, थोड़ा आगे में ना जाएँ तो सही नहीं रहता है ना। मैं सोच रहा था मुनस्यारी जाने की, मगर अभी देखो भाई बारिश आने वाली है, कुछ पता नहीं है, क्या पता बादल वादल कब बारिश आ जाए। और एक तो रोड भी ख़राब है, तो चलते हैं एक बार खाली यहाँ बंगा पानी में। और मैंने सुना है यहाँ पे कहीं पे गर्म पानी का वो भी निकलता है, गंधक टाइप का भी है, तो वो भी देखेंगे हम लोग। तो यहीं से आए को चलते हैं। बंगा पानी हमने पार कर दिया भाई, पीछे देखो ये छोटी सी पानी है, मतलब खैर हल्का फुल्का हुआ। वो तहसील वाला जो इलाका था वो बंगा पानी का था, और जो मैं गर्म पानी का फवारा कह रहा था ना, वो आगे सेरा में है बोला, तो यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे है। तो थोड़ा ही एक बार चल के देखते हैं आखिर कैसा है सेरा में गर्म पानी का फवारा। और ये अभी हम करेक्ट बंगा पानी में, वहाँ पे बंगा पानी 1 लिखा है, मतलब ये पहुँचे नहीं है, 1 और किलोमीटर है। तो ये है भाई लास्ट मेन बंगा पानी। और ये देखो यहाँ पे सीमा समाप्त लिखा हुआ है, पुलिस वालों का बोर्ड भी है, और पीछे पीछे है, मतलब जैसे जितनी जॉल्स भी है ना, लगभग उतना ही है बंगा पानी का भी। और यहाँ से है अब 37 किलोमीटर दूर, यहीं पर है यार, आधे घंटे का रास्ता, 15 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ जाने की, क्या करें, जाएँ क्या? चलो अगर आगे चल के रोड पूछते हैं, अगर रोड अच्छी होगी तो एक चक्कर जाके आते हैं, और अगर रोड ख़राब होगी तो फिर यहीं से वापस चलेंगे, क्योंकि इतनी दूर आगे मुनस्यारी न गए तो मज़ा नहीं आएगा ना यार। ठीक है, चलते हैं। तो भाई मैंने यहाँ बंगा पानी के लोकल लोगों से बात करी, और उन्होंने बोला रोड अच्छी है और यहाँ से केवल 35 किलोमीटर लगभग है मुनस्यारी। और पीछे थोड़ा मौसम भी ख़राब लग रहा है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार मुनस्यारी जाके आते हैं, मतलब हैं क्योंकि इतनी दूर आगे फिर मुनस्यारी में जाए तो मज़ा नहीं आएगा ना यार। तो सीधा यहाँ से है मुनस्यारी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे लगभग, तो एक बार जाते हैं और थोड़ी देर में फिर आ जाएंगे वापस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे। तो चलो, अब एक से एक झरने आने शुरू हो गए हैं, देखो भाई कितनी ऊपर से गिर रहा है, और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी आ रही हैं, इसलिए अभी तो वापस जाना बिल्कुल ही अब भूस हो गया है। पीछे ज़्यादा दूर जाने से अच्छा है पास ज़्यादा जाता हूँ, वहाँ कहीं रहने के, मतलब बैठने के लिए, छुपने के लिए थोड़ी देर जगह मिल जाएगी, बारिश रुकेगी तो वापस चलेंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा। रोड नहीं है भाई, रोड नहीं है, नदी है, नदी रोड में, ये देखो ज़रा, बहुत बहुत गहरी नदी है, और पैर ज़मीन में मेरा थोड़ा सा पड़ गया, थोड़ा पैर गीला हो गया है, कोई बात नहीं, बट ये ख़त्म ही हो गया है यहाँ पे। चल रहे हैं आगे को, मधकोट पहुँचने वाले हैं दोस्तों हम। और यहाँ पहुँचते हुए देखो अब थोड़ी नदी जो है वो थोड़ी तेज़ हो गई है, और साइड साइड में अब वो भी नहीं है ज़्यादा, कहीं पर चलने के लिए भी नहीं है नदी में, बिल्कुल पहाड़ वाला है। और ज़रा एक बार वाले पहाड़ों को देखो भाई, क्या बढ़िया लग रहे हैं यार, वाह, बिल्कुल, मतलब रोड बिल्कुल पहाड़ों के ऐसे अंदर से बिल्कुल टनल टाइप का लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। चलो और आगे को चलते हैं, और दोस्तों अब इस पॉइंट में आगे नदी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ज़रा ये देखो काफ़ी बड़ी है, और ऊपर से अब धीरे धीरे झरना भी आने लगा है, ये झरने आने और ज़्यादा शुरू हो गए हैं। तो खैर अब पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा रास्ता और है, इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बारिश नहीं आ रही है, उस तरफ बारिश पता नहीं आती है, यहाँ पर अभी कम हो गई है बारिश, तो फटाफट चलते हैं अब आगे। तो भाई इतनी दूर आगे ना हम लोग, काफ़ी एक ऐसा पॉइंट आ गया है, बिल्कुल झरना नीचे गिर रहा है रोड के आगे से, वो भी देखो इतना बढ़िया लग रहा है ना ये। और नदी भाई और ज़्यादा चौड़ी हो गई है, पता नहीं समुद्र में तो नहीं जा रहे हैं हम लोग, मगर ये देखो यार बहुत अच्छा लग रहा है। उसके नीचे रुकेंगे एक बार, देखेंगे कैसा होता है। झरने की छत्र छाया के नीचे ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है, वाह। वहाँ पे ज़्यादा रुकने जैसा नहीं हो रहा था, क्योंकि पानी रोड की तरफ को भी आ रहा था, ये देखो ज़रा इतना प्यारा लग रहा है ये पूरा का पूरा। और यहाँ पे उससे भी बड़ा झरना है, और पता नहीं ऊपर कुछ तालाब टाइप का है, पता नहीं क्या है, मगर जो भी है बहुत अच्छा है। मैं दिखाता हूँ आपको ज़रा, ये देखो भाई वो ऊपर से आ रहा है झरना, और पक्का यहाँ पे बीच में कुछ तालाब टाइप का ज़रूर होगा, और यहाँ से यहाँ गिर रहा है ये। और ये भाई ऐसा वैसा पानी नहीं है, ग्लेशियर का पानी है, बहुत ठंडा पानी होता है यार, जानते ही हो आप लोग ग्लेशियर का कैसा बर्फीला पानी होता है। तो चलो अब यहाँ से बस थोड़ा ही बचे हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, फिर वापस घर भी जाना है भाई आज ही। हमारे मुनस्यारी का हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज देखो। मैं रोड में सीधा सीधा चलते जा रहा था, और यहाँ पे रोड ही ख़त्म हो गई है भाई, गलत रास्ते में आ गए हैं हम शायद, और यहाँ से पूछना पड़ेगा कहीं से मुनस्यारी का रास्ता कौन सा है। ये मधकोट है जहाँ तक मुझे लगता है, चलो आगे आगे पूछते हैं किसी से। मधकोट से हम लोग आगे को आ गए हैं भाई, और मधकोट में यार बहुत ट्रिकी रास्ते हैं, मैं इधर उधर हो गया था। तो आप कभी आओ ना तो मधकोट में एक बार पूछ लेना, डायरेक्टली मत आना, पूछते हुए आना कि कहाँ पर हो। और ये देखो भाई यहाँ पे क्या है, ये
इतने सारे पेड़ है ना भांग के पूरे, क्योंकि हमें भांग ही भांग दिखाई दे रही है मेरे को। तो इस तरह ठंडा इलाका है तो होता भी है ज़्यादा वैसे। तो फटाफट चलते हैं, टाइम हो गया है, कितना हो गया, 3:45 हो गया है, तो ज़्यादा लेट भी नहीं है यार, हम लोग थोड़ा सा ही मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं इसलिए थोड़ा हो रहा है। तो फटाफट चलते हैं, पहुँचने ही वाले हैं, बस ज़्यादा दूर नहीं है मुझसे यार। देखते हैं बर्फ़ मिलती है नहीं मिलती है हमें। अभी तक जो ऑफ रोडिंग हो रही थी वो तो खाली मजाक था, रियल वाली तो अभी यहाँ पर है। देखो रोड बिल्कुल ख़राब है, काफ़ी सारे गांव तो दिखने लगे हैं भाई अब मेरे को, घर मतलब। लेकिन भाई बर्फ़ कहाँ है, कहीं ऊपर तो नहीं है बर्फ़, ऊपर देखते हैं। चलो नए पुल का निर्माण हो रहा है, फिर एक बार ये नया पुल बन जाए तो इस पुराने पुल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब बादल देखो, मैं बादलों के पास पहुँच गया हूँ। ये क्या लोचा है भाई, जयंती गांव इस तरफ और मुंशारी इस तरफ और मटकोट पीछे, यही लगता है मुझे तो। चलो यहाँ से ऊपर कोई होगा, मगर यार ऊपर भी बर्फ़ नहीं दिख रही बिल्कुल ही। मिलान ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर और मुंशियारी। मुंशियारी अभी भी 9 किलोमीटर बचा है, मुझे लग रहा था कि बर्फ़ ना दिखे, क्या पता मगर ऊपर होगी शायद अभी, क्योंकि 9 किलोमीटर दूर है। और ऑफ रोडिंग जितनी थी पीछे तक थी, मगर आगे से मेरे को बिल्कुल प्लेन डामर दिख रहा है, तो मे भी आगे भी पूरा प्लेन डामर होगा। तो बस थोड़ी देर और हम पहुँच ही जाएंगे अब मुंशियारी। तो चलो फटाफट चलते हैं, मेरे से रुका नहीं जा रहा आप तो। मिलाम और लीलाम ग्लेशियर के लिए ये टेढ़ा रास्ता यहाँ से है, और जौलजीबी मटकोट के लिए यही वाला रास्ता जहाँ से हम लोग आए। बट हम लोग मुंशियारी पहुँचने ही वाले हैं, और पूरे बादल ही बादल हर जगह दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा और ऊपर जाते हैं और पूरा देखते हैं यार। सच में इस तरफ इतना अच्छा लग रहा है ना आके, क्या बताऊँ मैं। बर्फ़ शायद नहीं है क्योंकि दिख नहीं रही है यहाँ से कहीं भी, होती तो दिख ही जाती। बट नीचे मुंशियारी गांव में दिखाता हूँ आपको, और मैं खड़ा गांव एक बार ये भी देख लो यहाँ से नीचे कितना ख़तरनाक है। तो ज़रा यहाँ से मुंशियारी गांव एक बार अच्छे से दिखाता हूँ आपको। NS 200 एक और दिखी मेरे को, तो ये शायद यही है मुंशियारी गांव जहाँ तक मेरे को लगता है। तो बिल्कुल बढ़िया से देखो एक बार, पंचाचोली नहीं दिख रहा है हमको, ज़रा पंचाचोली का देख के आते हैं किस जगह से स्पॉट दिखता है आगे को होगा। चलो ये पहुंच गए हैं भाई अम्बेडकर पंचेश्वर द्वार हम लोग, और मुंशियारी यहाँ से नीचे इतना दिखाई दे रहा है, और सामने बादल ही बादल हैं। पंचाचोली कौन सा पहाड़ है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं ज़रा पूछता हूँ यहाँ पे से कहीं से दिखता है क्या। ठीक है, तो भाई अंकल बोल रहे हैं पंचाचोली में कोहरा लग रखा है, बट आगे मुंशियारी है, जो आगे गांव दिख रहे हैं कुछ कुछ वहाँ मुंशियारी है, तो वहाँ से कुछ पॉइंट हैं देखने के लिए, तो देखते हैं वहाँ से अगर दिखता है तो, नहीं तो मुंशियारी बाजार ही घूम लेंगे। पहुँच गए हैं भाई हम लोग मेन मुंशियारी में, और ये जो सामने मेरे ग्राउंड है ये वही वाला ग्राउंड है जो दिखाई देता है ना हमको कई जगह वीडियो में भी देखा था मैंने। श्रीमती हेरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज भी है सामने वो पिंक वाला, और ये है फुटबॉल ग्राउंड भाई मुंशियारी के लोगों का। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं शायद कोई कुछ पॉइंट होगा देखने के लिए जहाँ से पूरा दिख जाए, फिर जल्दी जल्दी आपको वापस भी जाना है क्योंकि लेट हो गए हैं। तो चलो आगे चलते हैं। मटकोट 19 जौलजीबी 65 जैती 4। भाई जौलजीबी तो पीछे से आया मैं, मगर जौलजीबी यहाँ पे 10:65 क्यों दिखाई दे रहा है, ये कुछ तो झोल है, पता करना पड़ेगा आगे। वैसे आगे पेट्रोल पम्प भी है मुंशियारी का, ये देखो भाई मुंशियारी, थोड़ी बर्फ़ कम पड़ी हुई है ऊपर पर, को बढ़िया कोहरा भी लगा हुआ है, अभी बर्फ़ है ही नहीं मतलब अभी। और सामने शायद है पंचाचोली, सामने दिखाई देता है, बट अभी कोहरा ही कोहरा है तो इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और नीचे से भी रास्ता है बोला सामने से, तो चलो यहीं से सामने को जाएंगे हम, और वहीं से सीधा जौलजीबी भी मिलेंगे वाली बात हो रही थी। चलो देखते हैं, चलो आगे चलते हैं। तो काफ़ी बढ़िया लगा यार मुंशियारी की तरफ को आके मुझे, और अभी हम सीधा सीधा ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग बता रहे थे कि सामने से भी रास्ता है और ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है वाली बात कर रहे थे। तो यहीं से आए को जाके देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, और अब घर को चलते हैं सीधा। नंदा देवी टेम्पल, नंदा देवी माता की मंदिर में पहुँच गए हैं भाई, जय हो नंदा देवी माता। खैर अभी हम लोग लेट हो रहे हैं इसलिए हम लोग अभी ऊपर को नहीं जा सकते, हम लोग नीचे से ही आशीर्वाद मांग लेंगे। मगर यार मैं बताऊँ मुंशियारी बहुत अच्छी जगह है सच्ची में, बहुत मज़ा आया मेरे को आके। और आज तो खाली सरगम डांसेज ऐसी हो गई कि मैं खाली ऐसे ही होते होते आ गया, मतलब आते आते आ गया, कोई प्लान नहीं बना था। बट कोई बात नहीं, अब यहाँ पर से अभी हम वापस जा रहे हैं, और जब कभी दोबारा आएंगे ना तब बढ़िया से आएंगे, और यहाँ पर गिम्बल विम्बल लगा के उस टाइम अच्छे से प्रिपेयर करके आऊँगा। तो फटाफट अब यहाँ से वापस को चलते हैं, और यहाँ पे कुछ मैप हैं, मैप में देख लो आप क्या क्या है। देखो
बसंत कोट, दुरतोली, छोटा कैलाश, बहुत सारे पहाड़ हैं। पहाड़ों का सब मतलब ये है, क्या कहते हैं, सब बताया हुआ है मतलब पहाड़ों का। और यहाँ पे डिस्टेंस भी बताई हुई है मुनस्यारी और बहुत सारी, और लास्ट में थैंक यू फॉर विजिटिंग मुनस्यारी। तो बहुत अच्छी जगह है, चलो फटाफट यहाँ से सीधा चलते हैं। अब इस जगह से थोड़ा और साफ़ दिख रहा है, हाँ थोड़ा और साफ़ दिख रहा है। यहाँ से अच्छे से दिखाता हूँ आपको मैं मुनस्यारी इस तरफ से कैसा दिखता है। ये देखो भाई, ये है पूरा मुनस्यारी, और अलग अलग जगह में बहुत सारे घर हैं, छोटे छोटे घर हैं। और हम लोग शायद वो वाली सामने वाली रोड से आए थे, बट अभी हम लोग जाएंगे इस वाली रोड से वापस, और ये वाली रोड ज़्यादा अच्छी है कह रहे थे, तो देखते हैं पता करते हैं कैसी रोड है। सामने दो भैया और बैठे हुए हैं, उनसे हम पता करते हैं।